आओ साहब, आप कहीं बाहर जा रही है? आप अब भी तो वापस आए ना? वाह, अब तुम हमसे सवाल करोगी? वो मैं आपके लिए चाय बनाने वाली थी। कोई जरूरत नहीं, हम किसी ग्राहक के यहाँ साड़ियाँ पहुँचाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। वापस आते समय मंडी में रुककर तिलगुल की सामग्री भी खरीदनी है। किसके घर जाना है? वो इसके जी कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, उनके यहाँ चलो। हाउस साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के यहाँ जा रही है। अरे देवा, वो तो मुझे पहचानते हैं। क्या हुआ अनुप्रिया, चलो। अरे क्या हुआ, किस सोच में डूब गई हो? वो प्रिंसिपल के घर मैं? तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हम प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारा कॉलेज में दाखला करा देंगे। नहीं, वो मैं दरअसल सोच रही थी कि प्रिंसिपल का घर तो बहुत दूर है ना, तो अगर मंडी बंद हो गई तो हम सामान नहीं खरीद पाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि प्रिंसिपल का घर दूर है? कल्याणी ने बताया था, वो भी तो उसी कॉलेज में जाती है ना। हाँ पता है पता है। अब चलो, यही बातें करते रहेंगे ना तो मंडी जाने के लिए समय नहीं रहेगा हमारे पास। चलो। अरे देवा, अब क्या करूं? कल्याणी से भी बात नहीं हो सकती, वरना वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देती। चलो। हाँ। ये मल्हार जी कर क्या रहे हैं? आई ने बताया था कि तिल को ज्यादा भूनने से तिल कड़क हो जाता है, लेकिन मल्हार जी तो इसको भूने ही जा रहे हैं, भूने ही जा रहे हैं। बिल्लू, लगता है ये एटम बम ना लड्डू का पचका कर देंगे। देखना क्या कर रहे, क्या बना रहे हैं यार। क्या हुआ, कोई तकलीफ है तुम्हें? नहीं। अरे वो मेरी और बिल्लू की बातें तो चलती रहती है ना बिल्लू, है ना? वैसे मल्हार जी, आई ने कहा था कि तिल को ना थोड़ा सा ही ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं। और हाँ, मुझे पेपर पे ये इंस्ट्रक्शंस भी लिख के दिए, ये देखिए ना। अच्छा। हाँ। कौन सा पेपर है, दिखाओ। ये देखिए ना, सब कुछ लिखा है कैसे बनाना है। हाँ बिल्लू। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, ये मुझे ना तुम्हारी ना तुम्हारी आई की जरूरत है, समझी तुम? क्या? हाँ क्या? इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा लाते कहाँ से आप? क्या हाँ? हेल्प करने की कोशिश कर रही थी या नहीं? कर लिया। अगर इतना गुस्सा करेंगे ना, एक दिन आपका बीपी बढ़ जाएगा, समझे आप? हाँ क्या 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 गंदा खाना बनाया है आपने? हाँ कर लिया। नहीं लेकिन वो चुप। गुरगुर क्या देख रही हो? मैं तो ये कह रही थी कि आप जैसे लड्डू बनाना चाहते हैं ना वैसे ही बनाइए, बस आई की रेसिपी थोड़ी बेटर है, लेकिन आपकी उससे भी बेटर होगी, मुझे यकीन है आप पे। बनाइए। अरे क्या हो रहा है ये? प्रिंसिपल साहब अभी तक क्यों नहीं आए? इससे पहले कि प्रिंसिपल सर यहाँ आकर मुझे देख ले और हाउस साहब को बता दे कि मैं भी उनके कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से जाना ही पड़ेगा।
लेकिन कैसे? कल्याणी मेरी जगह होती तो क्या करती? ओके सर, कल बात करते हैं। लगता है आ गए सर। बाय। माफ करना। अच्छी। अरे 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 अरे, ये क्या, हमें बीमार कर दोगी क्या? माफ करना। अरे उधर मुकर के चिको, उधर मुकर के चिको। तुम एक काम करो, तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ चली जाओ, रास्ते में मंडी में सामान लेना और अपने लिए दवाई भी खरीद लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं उधर मुकर के चिको, जाओ जाओ जाओ। आओ साहब। अच्छे। नमस्ते आओ साहब। नमस्ते। माफ करना आओ साहब, एक जरूरी फोन आ गया था। वो औरत आपके साथ कौन आई थी? वो मेरी बहू थी। वो इस तरह से चली क्यों गई? क्या है ना कि हमें कुछ सामग्री चाहिए थी, उसके लिए देर हो रही थी, इसीलिए उसे आगे भेजा हमने। आप बैठे ना उसे। हाँ शुक्र है भगवान, आज आपने मुझे बचा लिया और मैं धन्य हो गई जो कल्याणी को आपने मेरी जिंदगी में भेजा है। क्या क्या सीखने को मिल रहा है मुझे उससे। ये सामान अगर मैंने खरीदा होता ना तो कम से कम 200 रुपए और बच जाते, और आज का ये बिल महीने के खर्च में जोड़ देना। पिछले महीने का हिसाब कहाँ है? बस कैलकुलेट करके अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। हाँ जब तक तुम्हें कुछ याद ना दिलाओ कोई काम नहीं करती हो ना तुम। शांत हो जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा सिखाया तुमने मेरे बच्चे को, जैसे ही तुम्हें डांटता हूँ वो रोने लगता है। ओली नहीं नहीं पिल्लू नहीं रोते। क्या हो गया? हाँ बाबा ने चिल्लाया ना। हाँ कोई बात नहीं, हम दोनों पकड़ के बाबा को मारेंगे, बहुत मारेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मल्हार जी, कैसा सोच रहे आप? मैं तो सिर्फ पिल्लू को शांत करवाने के लिए कह रही थी। हाँ फिजूल खर्चा मत किया करो कल्याणी, मत किया करो, मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, है ना? लेकिन आप हंस क्यों रहे हैं? मेरी मुस्कुराहट पे मत जाओ, मैं अभी भी गुस्सा हूँ, है ना मोक्ष? वो तो बस मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरा बच्चा ना रोए, है ना? मल्हार जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कहाँ फिजूल के खर्च करती हूँ, मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी लेना होता है मैं अपने खुद के पैसे से खरीदती हूँ। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास पैसे? हाँ मेरी सेविंग्स है मल्हार जी। कौन सी सेविंग्स? बॉक्स हमने तो नहीं देखी, देखिए क्या? नहीं ना। इतना गुस्सा कर करके ना किसी दिन ब्लड प्रेशर हो जाएगा मल्हार जी को। आई होप कल एक बार संपदा की सच्चाई इन्हें पता चल जाए, तब जाकर इनका गुस्सा कुछ कम होगा। आइए डॉक्टर साहब। अथर्व, अथर्व कहाँ गया? कहाँ है पेशेंट? अथर्व मुक्ता भी नहीं है डॉक्टर साहब। एक सेकेंड, मैं अथर्व को कॉल करती हूँ। अथर्व कॉल उठा। अथर्व का फोन तो यही है। तो मिस संपदा अब मैं चलूं? पेशेंट तो यहाँ है नहीं। आप 5 मिनट रुक नहीं सकते? सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब धोखे वाले, सब सब सब। छोड़िए मैडम, इलाज की जरूरत तो आपको भी है। डिस्गस्टिंग। अथर्व
डॉक्टर भाई तू कल्याणी अपना तो सुबह सुबह घर से बाहर निकल गई है और पता है उनके पास वो बैग भी था जिसमें तुमने वो डिक्टीफोन डाला था। डिक्टीफोन आई तुम भी ना शेक्सपियर की तरह खुद के वर्ड्स इन्वेंट करती हो। ठीक है ना। अच्छा सुनो मुझे तो लगता है वो जरूर संपदा से मिलने ही गई होगी। अरे कल रात को ना आई थी मल्हार जी से बात करने, नाटक कर रही थी। मेरी सहेली मुंबई में रहती है, बहुत बीमार है, मुझे उसको देखने जाना है। आई जस्ट होप भाई कि हमारा ये प्लान ना कामयाब हो जाए। जरूर सफल होगा। देखना तो आज संक्रांति है ना, तो आज के दिन सब शुभ ही होगा। अच्छा सुनो मेरी एक बात मानोगी, आज संक्रांत है ना, तो आज के दिन अप्पा और राव साहब के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। कल रात को ही अप्पा घर लौटे हैं। मैं जाके राव साहब के पैर छू? क्या मुझे दिखाई नहीं देता है कि राव साहब तुम्हें कैसे ट्रीट करती हैं, कैसे मेरे और मल्हार जी के बीच में हमेशा दरार लाने की कोशिशें करती रहती है वो। और उम्र में बड़ी है तो उनको रिस्पेक्ट देना कंपलसरी थोड़ी ना। ठीक है मत जा। ये माओ का ऐसा ही होता है ना, अगर उनकी बात ना मानो तो सेंटी हो जाती है। क्यों ऐसा? माँ बनते ही ड्रामा करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? कोई जरूरत नहीं आपको पतंग उड़ाने की। जब आपकी पतंग कटने लगती है ना तो आपका बीपी बढ़ने लगता है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन अहिल्या त्योहार है, अब त्योहार मनाने से भी मुझे मना करोगी क्या? आओ साहब आज सुबह आप दोनों 2 मिनट घर के बाहर आएंगे प्लीज। क्यों? आज मकर संक्रांति है ना, मुझे आप दोनों का आशीर्वाद लेना है। अरे बेटा तो इसके लिए बाहर आने की क्या जरूरत है, आज के दिन तुम दीवार के इस तरफ भी आ जाओगी तब भी कोई बुरा नहीं मानेगा। बेटा अपने दादा दादी को तिड़गुड़ तो दोगी ना? मल्हार जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो साहब और सुबह को मैं घर के बाहर आने के लिए कह रही थी सच्ची। मैंने कुछ कहा तुमसे? कितना अच्छा बनाया ना, अभी मैं आओ साहब को दिखाती हूँ। आओ साहब एकदम पक्का वाला मांजा बनाया, इस बार तो बहुत सारे पतंग हम ही जीतेंगे। हाँ और आपको पता है नल के बाबा ने ना पड़ोसियों के साथ पेच भी लगा दिए, हो कि नहीं हो? आप सभी पतंग उड़ाने जा रहे हैं ना, मैं भी साथ। आप जरा इसे समझाइए, हमारे यहाँ मकर संक्रांति में जो पतंग प्रतियोगिता होती है ना उसमें सिर्फ विवाहित जोड़े ही शामिल होते हैं, और इनके रिश्ते के बारे में तो सब जानते हैं, इनका रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता है। चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप भाऊ साहब? कहीं आप मुझसे और मल्हार जी से डर के तो नहीं जा रही ना? ऐसा तो नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर आपको हरा देंगे, क्योंकि पतंग उड़ाने में तो मैं प्रो हुई और मल्हार जी तो मेरे भी उस्ताद हैं। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है और हार किसकी। आहा, ऐसे डिंगे हाँकने से पतंग थोड़ी ना कटती है, वो तो प्रतियोगिता में ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। अगर हारने की तैयारी है ना तो जरूर हिस्सा लो, हम क्यों मना करेंगे। चलिए चला। चलिए मल्हार जी आज तो ना हम इन्हें हरा के ही रहेंगे। चलिए मल्हार जी, मैंने जानबूझ के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया सच्ची। अरे वो लोग आपकी इंसल्ट करे जा रहे थे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उन्हें चैलेंज किया। अच्छा सच्ची? सुस्वागतम। नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हम अपने वड़गांव में शुरू करने जा रहे हैं
जोड़ियों की पतंग प्रतियोगिता तालियां। दोस्तों पिछले 5 सालों से एक शख्स जो लगातार इस प्रतियोगिता को जीतते जा रहे हैं वो और कोई नहीं है बल्कि हमारे विवेक दादा है। तालियां। क्या इस साल भी विवेक जी ये कब घर लेकर जा पाएंगे? चलिए आइए देखते हैं। फिलहाल इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मल्हार जी सुनिए, अब भी हमारे पास ना टाइम है, आप पीछे जाके ना मांझा पकड़ी, मैं पतंग उड़ाती हूँ। मैं सच कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी पतंग उड़ाती हूँ, ट्रस्ट मी। नहीं आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो फिर आप मुझसे अच्छी पतंग ही उड़ाते होंगे, आई एम श्योर। चलिए दोस्तों फिर सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ इस प्रतियोगिता की हम शुरुआत करते हैं। सारे के सारे मेरे साथ बोलिए गणपति बाप्पा। मल्हार जी कॉन्सेंट्रेट। मल्हार जी विवेक चाचा काट देंगे आपकी पतंग। मल्हार जी क्या कर रहे हैं? यानी पतंग उड़ाने दो मुझे, मैं क्या करूं अगर हवा का भाव ठीक नहीं है तो? अब क्या कहा था तुमने, हाँ कि मैं चैंपियन हूँ और मेरे ये उस्ताद है, हाँ सारी उस्तादी दिखाई दे रही है अभी। आप ध्यान दीजिए उधर। मलाजी मलाजी नहीं ले रही थी। लगता है आज मल्हार जी नाक और पतंग दोनों कटवा के रहेंगे। नहीं कल्याणी तू ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं 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 मल्हार जी पकड़िए इसे, पकड़िए हटिए। आप मुझे बाद में डांट लेना लेकिन मेरा पतंग उड़ाना अभी बहुत जरूरी है, आई एम सॉरी। देख देख मल्हार जी ढील दीजिए। कल्याणी कल्याणी ध्यान से, अपने उतावलेपन में अपनी ही पतंग मत कटवा लेना। ध्यान रहे तुम्हारे हाथ में पतंग की डोर नहीं है, राणे परिवार की इज्जत है। अरे मल्हार जी अभी डिस्टर्ब मत करिए, और वैसे भी अभी तक ना वापस राणे हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। डांडे के भाव की पतंग काटो ना, जल्दी जल्दी काटो काटो काटो, काटो। डांडेकर की डांडी उड़ गई। और ये डांडेकर परिवार की पतंग अब कट चुकी है और उनकी पतंग काटी है कल्याणी राणे जी ने। डांडेकर परिवार अब इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। जाओ जाओ हम ना भावसर की पतंग काटते हैं। मल्हार जी भावसर भाव के समय पेच लगे, जल्दी ढील दो ढील दो ढील दो जल्दी। और ये भावसर परिवार की पतंग भी कट चुकी है और उनकी पतंग काटी और किसी ने नहीं बल्कि कल्याणी राणे जी ने। तालियां। दोस्तों ये प्रतियोगिता होगी अब 3 जोड़ियों के बीच में। माननीय आव साहब और माननीय राव साहब, विवेक जी और पल्लवी जी और मल्हार जी और कल्याणी जी के बीच में। तो आइए देखते हैं कौन जीतता है। विवेक भाव, विवेक भाव, विवेक भाव, विवेक भाव। ढीलो ढीलो